तेज बल्ले की जरूरत है। बिल्कुल व्हाइट बॉल, अब जाके यहां पर पहला रन टीम वोकैब डीएम के खाते में जुड़ता हुआ। व्हाट अ बॉल, क्या बात है। कभी ऑफ ब्रेक, कभी लेग ब्रेक, कभी इस ओर कभी उस ओर, कोई जवाब नहीं। बहुत ही मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं आसिफ के माध्यम से। क्या बात है, पहली बार इस टूर्नामेंट में वसी जैसे बल्लेबाज पर पूरी तरह से हावी पड़े, पूरी तरह से बिल्कुल चकमा दे रहे, एक गेंद नहीं समझ पाए। अजंता मेंडिस जब श्रीलंका से पहली बार इंडिया के सामने खेलने आए थे, कुछ इस तरह का हाल था इंडिया का, सभी बल्लेबाज यहां वहां नाच रहे थे, कुछ उसी तरह का दृश्य देखने मिला। सज्जाद नो बॉल, नो प्लस वन। तो आसिफ भाई की अब तक इस ओवर में दो गेंदे आना बाकी, दो गेंदे शेष, चार बॉल तीन रन एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर है सज्जाद। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, सफलता मिली है, गेंद गई है सीमा रेखा को चीरते हुए, चार रनों के लिए। क्या बात है, जाते जाते एक तोहफा दे दिया, जहां वसी पूरी तरह से नाकाम रहते वहां सज्जाद पूरी तरह से हावी पड़े आसिफ के ऊपर, तो पूरा बदला ले लिया है, पूरी कमी पूरी की है। स्कोर है 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। समय की बात की जाए तो आपका टाइम हुआ है अब तक 7:21, 12 मिनट बचे हैं तीन ओवर के लिए। एक बार फिर से पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच सैफ पावने आएंगे गेंदबाजी की कमान पर, सामना करेंगे मोहम्मद। मोहम्मद की बात की जाए तो मोहम्मद के खाते में भी एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, 10 बॉल पे 31 रन की पारी खेली थी। सैफ पावने के पास भी एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, देखते हैं मैन ऑफ द मैच बेस्ट वॉज इज बेस्ट। नो बॉल, नो पे कैच नहीं होगी, डायरेक्ट हिट लगा है, अंपायर के पास डिसीजन पेंडिंग है, अंपायर के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट किया गया है, लेकिन आसिफ का दिमाग कूल, कूल माइंडेड अंपायरिंग, सिर्फ अपील करना है, अपील का एप्पल नहीं बनाना है, एप्पल नाश्ते में अच्छा रहता है, एप्पल अडे कीप्स डॉक्टर अवे। एंड यहां पर अंपायर डिसीजन इज आउट, नो बॉल बे आउट, तो बॉल ये लीगल हो जाएगी, बॉल तो बॉल काउंट हो जाएगी, यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गई है। पूल थ्री के चारों टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मास्टर सर की टीम भी पूल थ्री में खेल रही है, सभी लोग यहां वहां फोन घुमाना है, सभी प्लेयर्स को अवेलेबल कराना है। संडे का दिन नहीं, संडे की शाम, और बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस देखने मिलेंगे आपको जरूर। सिर्फ एक बार फिर से सैफ पावने, ऑफ ब्रेक गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड, डायरेक्ट हिट की कोई कोशिश नहीं, एक रन चुराने में कामयाब। व्हाइट बॉल, फिर से एक बार व्हाइट बॉल, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, अब थोड़ी सी लाइन और लेंथ से भटक चुके हैं गेंदबाज। क्या बात है, स्ट्रेट एज एन एरो, बिल्कुल शॉट नहीं लगाया, तीर चलाई है कमान में से, जैसे ही तीर निकली उस पर मोहर थी 6 रनों की। क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया, सीधे बल्ले से सीधा शॉट, सीधा क्रिकेट, रिजल्ट मैक्सिमम 6 रन। अब बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर सैफ की, ऑफ ब्रेक गेंद कर रहे हैं,
यहाँ पर डाइविंग एफर्ट पर थोड़ी सी मिसफील्ड गेंद पर मिलेंगे एक रन, आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की, स्कोर है 24 रन्स। अब की बार बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट, पहली बार हुई थोड़ी सी मिसफील्ड, इस बार एक रन बचा है अपनी टीम के लिए, तो एक रन के साथ स्कोर है 25 रन्स फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स, दो ओवर की समाप्ति पे, अभी भी दो ओवर का खेल है बचा। मिराज पिछली मैच में धुआंधार गेंदबाजी की थी, मिराज ने एक बार फिर से, मिराज साइड आर्म के लिए यहां पर वार्निंग मिलती हुई, सामना बढ़ाए, अब की बार सामना करेंगे अनीस, सीधे बल्ले से छक्का लगाने में भरोसा करते हैं अनीस, क्या सीधे बल्ला काम आएगा या मिराज का टेढ़ा एक्शन काम आएगा, क्या बात है, बिल्कुल वाइट की जो लाइन है अपने दिमाग में उसकी छाप ले लिए, वाइट की लकीर के जस्ट बाजू में करती हुई गेंद डॉट के रूप में, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, नो बॉल यस, आपके पास एंगल की लिमिट है, आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो नो बॉल होगी, अंपायर आदिल ने पकड़ा और दिया है नो बॉल। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, कैच किया है मुकम्मल, लौटना होगा, क्या बात है, बिल्कुल एनर्जी बढ़ती हुई ग्राउंड में, क्या जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट यहां पर, खालिद सीधा कैच था, तोहफा था, कबूल किया और अब यहां पर मिराज को एक मौका दिया है हैट्रिक की कगार पर दस्तक देने का, 28 रन, बॉल बची है दो, चार बॉल, क्या हैट्रिक मुकम्मल करेंगे, अब तक किसी ने भी हैट्रिक छक्के तो लगे, हैट्रिक वाइड तो लगी है, हैट्रिक सिंगल भी आए लेकिन हैट्रिक विकेट अब तक किसी ने नहीं चटकाया, क्या पहले गेंदबाज बनेंगे, मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया था, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई हैट्रिक नहीं आई है, बैट्समैन नेम प्लीज, अब्दुल्ला, कंफर्म हैट्रिक, क्या बात है, हैट्रिक, फर्स्ट हैट्रिक ऑफ दिस टूर्नामेंट अब्दुल्ला, यस फर्स्ट हैट्रिक ऑफ दिस टूर्नामेंट And it goes to Miraj. बिल्कुल बेस्ट बॉलर की लिस्ट में इनका नाम जरूर शामिल होगा, लेकिन सिर्फ तीन विकेट से नहीं चलेगा, आपको पूरे टूर्नामेंट में ऐसी विकेटें चटकानी होंगी, लेकिन इस टूर्नामेंट में पहला हैट्रिक किया है मिराज ने, क्या चार बॉल चार विकेट, आउट हो गया, डॉट बॉल, क्या बात है, मैच अभी बचा है, बिल्कुल पिछले मैच में हमने देखा अज्जू ग्राउंड के बाहर चले गए तो कभी नहीं आए, इमरान ताहिर इस तरह के सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते, एक बार इमरान ताहिर सेलिब्रेट करते करते मैदान के बाहर चले गए थे, बिल्कुल यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, खाली देख के रन गिन रहे, 28 रन पांच विकेट के नुकसान पर, इनका नाम नहीं पता, खालिद भाई फयाज नाम है क्या, फयाज सीनियर प्लेयर फयाज भाई, बहुत जबरदस्त ऑफ ब्रेक गेंद करते हैं, सामना इस बार अनीस करेंगे फयाज भाई का,
सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, अनीस का सीधा बल्ला अब थाम के रखा है, बिल्कुल पकड़ के रखा है एक तरह से, एक छक्का निकला था अनीस के बल्ले से, उसके बाद बल्ला रहा है शांत, अब सामना कर रहे मुश्ताक। बिल्कुल कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि बॉल डालते टाइम आप फोकस लाइट ना मारे। बिल्कुल ग्राउंड के बीच में जैन कनेक्ट टीम की इतनी एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी नजर आती हुई हर गेंद पे सराहना, हर गेंद पे हर प्लेयर सराहना करते हुए, हर डॉट गेंद पे, वाइड गेंद पे। क्या बात है, थर्ड अंपायर डिसीजन अंपायर आउट, तीन ओवर पांच बॉल स्कोर है 34 रन, पांच बॉल 34 है, पांच बॉल भाई, नहीं नहीं पांच बॉल, पांच बॉल। बिल्कुल आप खालिद से पूछ सकते हैं, एक एक बॉल एक एक रन याद है खालिद को। बैट्समैन नेम लास्ट बॉल टू कम, यस सैयद भाई, क्या बात है, बैट्समैन का नाम, बैट्समैन नाम बताना भाई, बैट्समैन नेम प्लीज। अमर, अमर, अमर उर्फ बाबू। बिल्कुल मास भाई थोड़ा ठंडा, ज्यादा ही ठंडा था तो थोड़ी देर से बोले, थोड़ी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम। बिल्कुल सबसे बड़ी खबर आती हुई इस वक्त की कि इसके बाद पुल सी के मैचेस स्टार्ट होंगे। मैच एक मिनट बाद होगा शुरू, आसिफ से बात करने में ना लगे, आसिफ की सब स्ट्रेटेजीज फेल हुई है अब तक, एवरेज उनको हर ओवर में 15 रन खर्च करते हैं आसिफ भाई, सामने वाली टीम को बराबर का मौका देते हैं, इक्वेलिटी में भरोसा करते हैं। बिल्कुल वदूद पैसे बांट रहे, 3000 रुपए अब तक बांट चुके, 1500 रुपए और बचे, जिस किसी को भी अपने पैसे लेने वदूद से आके संपर्क करें। बिल्कुल आसिफ भाई समोसे के 22 रुपए भी वदूद मांग रहे हैं, सो प्लीज कंटिन्यू द मैच, प्लीज स्टार्ट द मैच, टारगेट इज 41 रन, यस रिवाइज। मैच स्टार्ट करना प्लीज, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइम है 7:32। आसिफ भाई अपनी पोजीशन लेना, मैच की हो रही है शुरुआत, सामना करेंगे सैफ ने, बॉलिंग पर है मोहम्मद। क्या बात है, गेंद ने काटा बदला लेकिन गई है वाइड के रूप में, वाइड के साथ की है यहां पर शुरुआत, गेंदबाज मोहम्मद। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बॉल जैसे गिरता है प्लीज आप फ्लैश मत मारो, प्लीज मैच पूरा रुक जाएगा भाई, आप कभी भी कितने भी फोटोज लो। क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंद टर्न कर रही है लेकिन दिशा देनी होगी अगर मैच जीतना है। बिल्कुल टर्न से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एग्जीबिशन नहीं चालू है टर्न का, यहाँ पर मैच चालू है, आपको विकेट्स पे गेंदबाजी करनी होगी, तो टर्न तो बहुत ही अच्छी हो रही है, गेंद को थोड़ा सा अगर दिशा देंगे तो ये टर्न डॉट्स में कन्वर्ट हो सकती है। एक बॉल 4 रन, अब बड़ा हिट लगाने की कोशिश,
रन लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में डॉट के रूप में। क्या बात है, जो काम सीधे बल्ले से हो सकता है बल्ला क्यों तिरछा करना, सीधे बल्ले से लगाया है सीधा स्ट्रोक और नंबर मिले हैं 6। फिर से एक बार गेंद को दिशा देने की कोशिश, संपर्क अच्छा नहीं, गेंद गई है एक रन के लिए। 4 बॉल 11 रन स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड खालिद। क्या बात है, इससे कहते हैं प्रेशर। टीम का सबसे बेहतरीन फील्डर जिसे रखा गया पावर प्ले के लाइन के बाहर, उसी से हुई है मिसफील्ड, तो प्रेशर में होता है ये सब। वाइड बॉल, अब थोड़े से प्रेशर में टीम जेन कनेक्ट पूरी तरह से डगआउट से हावी पड़ती हुई टीम ओकैप डीएम पर। तो इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हुए हैं 17 रन। क्या बात है, बिल्कुल फोटोग्राफर के पास एक परफेक्ट मौका था फोटो क्लिक करने का। बैटर स्ट्रोक शॉट कंप्लीट किया, बैट के क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया। तो सैफ और खालिद की जोड़ी अब तक पिछली मैच से रही है नाबाद। वाइड बॉल, 17 बॉल 17, 17 पे है खतरा, देखते हैं कौन सी टीम को होगा खतरा। आसान सा कैच और ये खतरा मंडरा रहा था खालिद के ऊपर। सैफ ने मारा था, सैफ ने, हाँ कंफर्म। खालिद को एक ही बॉल मिली, नहीं मार पाया वो। सेकंड लास्ट बॉल पे क्या आया था खालिद, पांचवी और छठी बॉल खेला था, पांचवी और छठी और चौथा वाली मारा। हाँ तो बराबर है, स्कोर है 24 रन्स। तो नहीं बात चला ही नहीं, फैज है। सिबीच फैज भाई की हुई है एंट्री, अभी भी सैफ पापने ग्राउंड के बीच में मौजूद है। बिल्कुल नेट्स हटा दिया जाए या नेट्स रखा जाए, सैफ पापने जरूर अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी बताने में पीछे नहीं रहते। फुलटस बॉल, कैच कम होगा, सैफ का कैच मुकम्मल किया है अब्दुल्ला ने, बहुत ही जबरदस्त कैच। और इस 2 मैच के बाद आउट होकर वापस लौटेंगे सैफ। हमीद अंसारी प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द मैच, 32 इंच LED टीवी जीतने वाले हमीद। बिल्कुल आपकी टीवी में कुछ प्रॉब्लम आया पता चल रहा है, तो प्लीज आपको यहां पर आना है। ओवर 2 ओवर 25 रन 12 बॉल 16 रन। बिल्कुल मास भाई, यहाँ पर जोएब का ध्यान नहीं है, जोएब कहीं और ध्यान लगाए हुए, चाय की सख्त जरूरत नजर आ रही है उन्हें। बिल्कुल बाजू में आमिर की भी डिमांड आई है। आसिम भाई क्या चाहिए बोलो, और सज्जाद आसिम भाई क्या डिमांड, क्या है डिमांड? छोटी सी है, चाय खारी भी नहीं, खारी नहीं, बटर से काम चला लेंगे। ओके यस, आमिर की ज्यादा बड़ी डिमांड है, मैंने बोला पहले मैच जीतो फिर जो जो बोलेंगे सब मिलेगा आपको। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, क्या बात है अब्दुल्ला ने, दीवार है अंबुजा सीमेंट से बनी है, पार नहीं होने दे रही गेंद को, बहुत ही अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। रन आउट का मौका, थोड़ा सा और फुर्ती दिखानी होगी आपको, मैच जीतना है
तो कन्वर्ट करने होंगे आपको। 9 बॉल 13 रन, सज्जाद ने पूरी तरह से कमबैक करा दिया है अब टीम वोकैब डीएम को। बिल्कुल मोहम्मद ने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था इस कैच के लिए, बहुत ही अच्छा एफर्ट मोहम्मद का, लेकिन कैच तक पहुंच ही नहीं पाए तो इस गेंद पे आए 2 रन और अब जीत के लिए चाहिए 10 रन। बॉल बची है 7 7 बॉल 10 रन। तो पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच को आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुस्कुराते हुए पीछे देखते हुए गुड्डू लतीफ। बीच यॉर्कर लैंड डिलीवरी, मोहम्मद से मिसफील्ड होती हुई, रन आउट का मौका और यहां पर अनीस की हुई है चूक। फैस का विकेट एक बड़ा विकेट हो सकता था, 1 को 2 में कन्वर्ट किया है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। इस अब 6 बॉल 8 रन। अनीस बिल्कुल जोहेब का प्रेडिक्शन हमेशा ही सही होता है, इस बार जोहेब का प्रेडिक्शन आया है टीम वोकैब डीएम के हक में, देखते हैं क्या होगा रिजल्ट। 6 बॉल 8 रन, 6 बॉल 8 रन। सिराज भाई फैज भाई की जोड़ी, सामना है अनीस का, एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, बहुत ही अच्छे गेंदबाज। क्या बॉल है, क्या बात है, बिल्कुल हाथ ही नहीं देखना है, गेंद को देखना है, टप्पा खाया किधर गई किस तरफ और सीधा विक्टर के फर्नीचर को बिखेरा। सिराज भाई को लौटना होगा पवेलियन में वापस। 5 बॉल 8 रन, बिल्कुल जोहेब के प्रेडिक्शन हमेशा ही 90% राइट होते हैं, इस बार प्रेडिक्शन आया वो कैप डीएम के हक में, देखते हैं क्या होगा, क्या टीम जेन कनेक्ट उनके प्रेडिक्शन को फेल कर पाएगी। आउट, व्हाइट बॉल प्लस 1। तो व्हाइट प्लस आउट, अजान की सदा गूंजती हुई कमेंट्री थोड़ी देर के लिए बंद की जाएगी, तो स्कोर्स पे ध्यान रखना है। अरे भाई रुको ना भाई, वो उसने बोल दिया, रुको ना जरा, ठीक है। क्या बात है यार, जोहेब का प्रेडिक्शन फेल करते हुए, अनीस की गेंदबाजी को फेल करते हुए, टीम वोकैब डीएम को फेल करते हुए लगा दिया है एक मास्टर ब्लास्टर सिक्सर। अब 3 बॉल 1
रन। असीम भाई टॉस 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 के लिए अजीत जुएब मैं किसके मैच है ये डिसाइडर है इन लोग की कारपेट एरिया और डिसाइडर है किसकी किसकी एक मिनट ये कारपेट एरिया और गेंद कनेक्ट।